बायो एकेडमी प्रेजेंस किंगडम बोंडा पार्ट 6 आर्किबैक्टीरिया के बारे में आज है। चलिए आज शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आर्किबैक्टीरिया कुछ यूनिक फीचर होते हैं हमेशा, कि आर्ची मतलब होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया उसी को आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। यूनिक सिंस दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट, ये हमेशा से कहाँ से रहता है, हार्श, हार्श मतलब होता है कठिन, जहाँ पर जीना मुश्किल हो वहाँ पर भी ये पाया जाता है, हमेशा से इसका हैबिटेट वही रहता है। दे इट इज द ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक, मोस्ट प्रिमिटिव है, दे आर लिविंग फॉसिल। उस एक बार आपको बता चुके हैं किंगडम एनिमल में लिविंग फॉसिल होता है जो बहुत पुराना हो, बहुत 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 पुराना हो लेकिन अभी भी पाया जाता है, उसको उसी को लिविंग फॉसिल कहते हैं। डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड कैपेसिटी टू सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशन, ये अलग बैक्टीरिया से अलग होता है। ये किस आधार पर, सेल वॉल के आधार पर, और सेल वॉल के आधार पर इसीलिए सेल वॉल के आधार पर मापा अलग किया जाता है, क्योंकि जो इसका एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में पाया जाता है ना ये, तो उसका सेल वॉल भी तो मजबूत होना चाहिए। मान लीजिए कोई वोल्केनो की स्थिति में पाया जा रहा है, या एक्सट्रीम झरना इसको कहते हैं, एक्सट्रीम स्प्रिंग में पाया जा रहा है, उसके लिए तो शरीर का मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये बैक्टीरिया से अलग हो जाता है। द सेल वॉल डज नॉट कंटेन सेलुलोज या पेप्टिडोग्लाइकेन, आप देखे होइएगा कि प्लांट में, जब प्लांट के बारे में बता रहे थे, प्लांट में सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का, लेकिन देखिए इसमें क्या, इट कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन कौन सा है, म्यूकोपेप्टाइन या म्यूरिन, नहीं रखता है। सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस ए सिंगल लेयर ब्रांच चैन लिपिड, लिपिड है ये, इसका सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट करता है, ब्रांच होता है चैन लिपिड का, इसमें सभी में लिपिड का ब्रांच नहीं होता है, लेकिन इसमें ब्रांच होता है। ब्रांच चैन लिपिड डिक्रीज मेम्ब्रेन फ्लूडिटी एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच। देखिएगा किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें दो ब्रांच, दो लेयर ही होता है लिपिड का, ठीक है। बैक्टीरिया में कभी कभी आउटर मेम्ब्रेन भी होता है लेयर, लेकिन अधिकतर जगह आपको दो लेयर का लिपिड मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांच लिपिड मिलता है। और क्या करता है, फ्लूडिटी को घटाता है और इंक्रीज द टॉलरेंस, टॉलरेंस में सहने की शक्ति को ये बढ़ाता है, किसका, हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच को। जैसे कि एक्सट्रीम पीएच का मतलब कोई बहुत ज़्यादा पानी एसिडिक हो या बेसिक हो, उसको ये झेलने की क्षमता रखता है। कंटेन ओनली एल फॉर्म एमिनो एसिड इन द सेल वॉल, डी एमिनो एसिड आर अब्सेंट, एल मतलब होता है लेफ्ट, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डी लेफ्ट डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं इसको, ठीक है, लेफ्ट अब कहने के लिए है, एक डेक्स्ट्रो होता है, एक लिवो होता है, तो लिवो मतलब होता है लेफ्ट, डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, इसीलिए आपको याद रखिएगा लेफ्ट डायरेक्ट याद रख लीजिए, लेफ्ट ही लिवो, उसी में पाया जाता है, डी फॉर्म का एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है। जब एमिनो एसिड का चैप्टर चालू होगा उसमें आपको डी और एल के बारे में ठीक से बताया जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, थ्रू थॉट नॉट एग्जैक्टली लाइक यूकैरियोटिक हिस्टोन। एक बात याद रख लीजिए, प्रोकैरियोटिक जितना भी प्रोकैरियोटिक है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्या होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन मैं आपको पेन के बदल के बता रहा हूँ पॉइंट को एग्जैक्ट करने के लिए, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड, याद रखिए किसी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, लेकिन आर्किबैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए हैज एक्सट्रॉन एंड इंट्रॉन, इंट्रॉन डज नॉट फॉर्म आरएनए, याद रखिएगा ये हर जगह यही लागू होता है नियम, यूकैरियोटिक में ही प्रोकैरियोटिक में भी,
एक्सट्रॉन फॉर्म आरएनए फ्रॉम प्रोटीन। अब जब आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये हिस्सा बेकार हो जाता है। एक्सट्रॉन फॉर्म मतलब बनाना, आरएनए बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद प्रोटीन बनेगा। पहले आरएनए उसके बाद प्रोटीन। इंट्रॉन आर अब्सेंट इन अदर बैक्टीरिया, बताए ना, क्योंकि बैक्टीरिया में तो एक ही डीएनए सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कभी कभी दो भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन आपको उसके बारे में नहीं जानना है। मेन इसमें है कि हमारे जो भी बैक्टीरिया, अधिकतर बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, उसमें एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एक ही डीएनए। अगर इसमें भी खराब पार्टिकल मान लीजिए इतना दूर हो, तो इतना ही बचा, तो ये अगर ये इंट्रॉन है, इंट्रॉन क्या होता है, अब्सेंट होता है बैक्टीरिया में, लेकिन इंट्रॉन मतलब होगा इंट्रॉन का मतलब समझ लीजिए नन कोडिंग है ये, और एक्सट्रॉन कोडिंग होता है जो प्रोटीन का निर्माण कर देता है। तो आर्की बैक्टीरिया में एक्सट्रॉन इंट्रॉन दोनों पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ एक्सट्रॉन पाया जाएगा, जिसका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इंट्रॉन आर अब्सेंट इन अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया तीन प्रकार को होता है, किसके आधार पर, बेसिस ऑफ हैबिटेट। एक हैलोफाइल्स साल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग का मतलब झरना जो गिरता है, झरना जो होता है ना, तो कहीं कहीं का झरना या पानी वहाँ का जो है ना तब गर्म होता है, उसी को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। मिथेनोजेंस हार्सी एरिया, मेथेनोजेन का सबसे अच्छा एग्जांपल है गोबर गैस का, घर देखे हुए हैं आप, गोबर गैस जो होता है ऐसा ऊपर से तार गुजरता है, पाइप, इसी से गैस जाता है, इससे बिजली उल भी जो निर्माण होता है, तो इसका जो एरिया है ना उसमें मिथेन बहुत रहेगा, उसी में ये बैक्टीरिया मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आपको गोबर गैस का टंकी अगर नहीं कहीं दिख रहा तो आप नाला देख सकते हैं, नाला जहाँ पानी छोड़ा जाता है, देखिएगा बहुत अजीब तरह का दुर्गंध होता है, वो मिथेन का रहता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गल ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स का मतलब होता है पाउच करने वाला जानवर, गोबर गैस, इसलिए आपको बताया गोबर जो गोबर से बनता है ना उसको गोबर गैस, तो किसके आधार पर बनता है, इसी बैक्टीरिया के आधार पर बनता है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथेन बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम देयर डग मतलब गोबर, जो आपको बताए हैं वही बात इसमें लिखा हुआ है। आप एक आर्की बैक्टीरिया का क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, फिलामेंटस, ये सबसे पहले देखिए, हमको कोई भी सेल को देखना है तो सबसे पहले बाहरी सेल वाल, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फ्लैजिला, देखिए फ्लैजिला, तीन फ्लैजिला इसमें है, अधिकतर जगह एक या दो फ्लैजिला पाया जाएगा, लेकिन इसमें तीन फ्लैजिला है। फिम्ब्री जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे शरीर को, राइबोजोम 70S, कितना होता है 70S, कोई भी प्रोकैरियोटिक हो आप 70S उसमें पाया जाएगा। क्रोमोजोबल डीएनए, देखिए डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है, यही है आर्की बैक्टीरिया, मतलब फिलामेंटस है ये, फिलामेंटस समझ सकते हैं, फिलामेंटस किसके आधार पर, ये इसके आधार पर फिलामेंटस, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ये। तो दोस्तों ये हुआ आर्की बैक्टीरिया, जो NCERT में दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ आपको मैं बताया हूँ आज, और इस चैनल को देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो अब हमसे आप पूछ सकते हैं ईमेल पर ramanandkumar608@gmail.com। और आपसे एक निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, कोई भी गलती हो या कुछ भी हो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं ईमेल के आधार पर या मेरे कमेंट सेक्शन पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।